हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज के इस अध्याय में हम लोग अर्बन जियोग्राफी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और ये है गार्डन सिटी का कॉन्सेप्ट, उपवन या उद्यान नगर की संकल्पना। बहुत ही फेमस है और अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है, क्योंकि जब ये कॉन्सेप्ट आया था तो एक तरीके से बिल्कुल क्रांति क्रांति टर्म नहीं हम यूज़ करेंगे उसके लिए, एक तरीके से मूवमेंट सा शुरू हो गया था। तभी हम जब इस पर नेट पे सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा द गार्डन सिटी मूवमेंट। तो कई स्थानों पे इस संकल्पना से प्रेरित होके गार्डन सिटीज के इस कॉन्सेप्ट को लागू किया जाने लगा और विश्व में बहुत सारे गार्डन सिटीज का फॉर्मेशन किया गया। आगे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट गार्डन सिटीज हैं वर्ल्ड में, लेकिन यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो मेन कॉन्सेप्ट को जानेंगे, लेकिन इसको भी जानने से पहले आइए हम लोग अर्बन प्लानिंग को जान लेते हैं, क्योंकि अर्बन प्लानिंग का ये कॉन्सेप्ट है। अर्बन प्लानिंग प्लानिंग का मतलब होता है नियोजन, मतलब किसी चीज को जब हम एक व्यवस्थित तरीके से कर देते हैं एक प्लान्ड वे में। नगर नियोजन के अंतर्गत मुख्यतः हम सुधार, पुनर्निर्माण और नवनिर्माण से संबंधित योजनाएं और कार्यक्रम को शामिल करते हैं या सम्मिलित करते हैं। जो भी नगर में सुधार होना है, जो भी नगर में पुनर्निर्माण होना है, मतलब किसी चीज़ को गिरा के फिर से उसका फॉर्मेशन करना है या फिर नया कोई निर्माण करना है, ये सारी चीज़ें अर्बन प्लानिंग के अंतर्गत आती हैं। मतलब नगर में जो भी चीज़ें हों वो बिल्कुल प्लान्ड हों, व्यवस्थित हों, नया निर्माण किया जाए, पुराने निर्माण को तोड़ करके उसके स्थान पर पुनः निर्माण हो या फिर जो चीज़ें हैं उनमें सुधार किया जाए, ये सारी चीज़ें आती हैं अर्बन प्लानिंग के अंतर्गत। और इसका कारण है कि बेसिकली जो नगर के निवासी हैं वो सुविधापूर्वक रह सकें, सभी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध हों, कोई भी उन्हें दिक्कत ना आए, किसी कष्ट का उन्हें सामना ना करना पड़े, इसीलिए अर्बन प्लानिंग की जाती है। पुनर्निर्माण, नवनिर्माण और सुधार, ये तीन चीज़ें, हम इन तीनों से संबंधित जो भी योजनाएं और कार्यक्रम इत्यादि होते हैं उसको हम अर्बन प्लानिंग के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो ये बेसिकली एक इजी सा कॉन्सेप्ट है अर्बन प्लानिंग का, और बेसिकली मुझे जहाँ तक उम्मीद है सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि सभी के नगर में कहीं ना कहीं सुधार, नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य होता ही रहता है आए दिन। तो ये इन सारी बातों से तो आप सभी परिचित ही होंगे। तो चलिए अब हम सीधे अपने गार्डन सिटी के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगर गार्डन सिटी का एक आप परिभाषा के रूप में इसको समझना चाहें तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ। गार्डन सिटी या उपवन नगर या उद्यान नगर पार्कों, वृक्षों तथा हरियाली से युक्त होने के कारण नगर वासियों के स्वास्थ्य के लिए उत्तम पर्यावरण प्रस्तुत करते हैं और उन्हें प्रदूषण से बचाते हैं। इनमें जो जनसंख्या होती है वो बहुत ही सीमित होती है और इस कारण से बहुत सारी समस्याएँ समाप्त हो जाती हैं। मतलब कि समस्याएं समाप्त होने का कारण यहाँ पर क्या है, एक तो जनसंख्या पर यहाँ नियंत्रण किया गया है, सीमित जनसंख्या होती है, वृक्ष होते हैं, पार्क होते हैं, हरियाली खूब होती है, तो एक और तो इतनी सारी चीज़ें हैं, मतलब ग्रीनरी है, तो उससे इन्वायरमेंट अच्छा होता है, शुद्ध होता है। और दूसरा, पॉपुलेशन को यहाँ पर सीमित रखा जाता है, और हम जानते हैं कि नगरों में जो पॉपुलेशन से प्रॉब्लम होती है वही सबसे मेन होती है, बाकी प्रॉब्लम्स उतनी ज़्यादा दिक्कत वाली नहीं होती, लेकिन ओवर पॉपुलेशन से वर्तमान समय में नगरों को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो एक और तो ग्रीनरी है, हरियाली है, तो उससे वातावरण स्वच्छ है, और दूसरा सीमित जनसंख्या है, तो उससे कुल मिला के सारी की सारी समस्याएं ही अपने आप समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि सभी समस्याओं की जड़ कहीं ना कहीं ओवर पॉपुलेशन ही होती है सिटीज़ में। और जो हमारी गार्डन सिटीज़ हैं इनमें पॉपुलेशन को काफ़ी सीमित रखा जाता है। तो ये एक बेसिक डिफिनेशन है उपवन नगर की। इसका नाम ही से आपको लग रहा है गार्डन सिटी, मतलब गार्डन्स खूब होंगे इसमें और होते भी हैं, गार्डन का कॉन्सेप्ट है। मतलब गार्डन का मतलब यहाँ पर सिर्फ गार्डन से ही नहीं है, यहाँ मतलब है कि जो सिटी होगा, जो हम प्लान करेंगे एक शहर का गार्डन सिटी का, उसमें हरियाली खूब होगी, गार्डन भी होंगे, खूब पेड़ लगे होंगे जगह जगह पे, ग्रीनरी होगी। तो इसीलिए इसके लिए हम गार्डन सिटी टर्म का या शब्दावली का प्रयोग करते हैं।
और नगर को नियोजित ढंग से बसाने से संबंधित ये जो संकल्पना है, इसके प्रतिपादक एबेनेजर होवार्ड महोदय माने जाते हैं। एबेनेजर होवार्ड एक ब्रिटिश नगर नियोजक, प्लानर, अर्बन प्लानर, ये लंदन में रहते थे। और लंदन में रहते हुए इन्होंने बहुत सारी समस्याओं का अनुभव किया और इनको लगा कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो कुछ इस प्रकार का हमें जानकारी प्रदान करे, जिससे कि हम एक हरियाली से युक्त, एक स्वच्छ वातावरण से युक्त नगर का बसाव कर सकें, जिसमें जनसंख्या भी सीमित हो, हरियाली भी हो, वातावरण भी अच्छा हो, स्वच्छ हो, और जो उस नगर के निवासी हैं वो बिल्कुल कह सकते हैं स्वस्थ रह सकें, अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। तो यहीं से प्रेरणा मिली इनको, क्योंकि लंदन में जो भी इन्होंने प्रॉब्लम्स फेस की वहां से इन्हें प्रेरणा मिली और फिर इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया गार्डन सिटी का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि किस विद्वान ने गार्डन सिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। तो ब्रिटिश नगर नियोजक, ब्रिटिश अर्बन प्लानर एबेनेजर होवार्ड, एबेनेजर होवार्ड महोदय ने ये गार्डन सिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। इनकी एक बुक आई 1898 में, टुमारो अ पीसफुल पाथ टू रियल रिफॉर्म, टुमारो अ पीसफुल पाथ टू रियल रिफॉर्म 1898 की बुक है। इस बुक में इन्होंने अपने इन कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है और इसके पश्चात इस बुक में कुछ संशोधन किया और एक दूसरी बुक भी ये इन्होंने प्रस्तुत की, गार्डन सिटी ऑफ टुमारो 1902। मतलब 4 साल के अंतराल पे 1898 में पहली वाली बुक टुमारो अ पीसफुल पाथ टू रियल रिफॉर्म और दूसरी बुक गार्डन सिटी ऑफ टुमारो, ये दोनों बुक्स एबेनेजर होवार्ड महोदय की हैं। और एबेनेजर होवार्ड महोदय ने पहले टुमारो अ पीसफुल पाथ टू रियल रिफॉर्म वाली बुक लिखी और इसके पश्चात उसमें कुछ संशोधन किए, फिर लिखी गार्डन सिटी ऑफ टुमारो, और इन दोनों ही बुक्स में गार्डन सिटी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से आपकी दो चीज़ें तैयार हो गई, एक तो इनकी दो बुक्स आपकी तैयार हो गई होवार्ड महोदय की, और दूसरा आपका एक कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर हो गया कि किसने कॉन्सेप्ट दिया गार्डन सिटी का और गार्डन सिटी का कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या। तो इतनी चीज़ें अभी तक हम लोगों ने पढ़ ली। अगर मैं फिर से बता दूं तो गार्डन सिटी का कॉन्सेप्ट एबेनेजर होवार्ड महोदय ने दिया, ये लंदन के, ब्रिटेन के, ब्रिटेन कह सकते हैं, लंदन भी कह सकते हैं, ब्रिटेन ठीक है, ब्रिटेन के ये अर्बन प्लानर थे, नगर नियोजक थे, और इन्हें लंदन में कुछ समस्याओं का अनुभव हुआ जो कि नगरों में हो रही थी, और वहीं से प्रेरणा लेकर के इन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट को दिया। और इस कॉन्सेप्ट में बेसिकली ये बताया गया है कि एक ऐसा नगर होना चाहिए जो हरियाली से युक्त हो, खूब ढेर सारी ग्रीनरी हो, वृक्ष हो, पार्क हो, गार्डन्स हो, और जनसंख्या वहाँ की सीमित हो, जिससे जो भी नगरों में आए दिन समस्याएं आ रही हैं वो सारी समस्याएं ना उत्पन्न हो। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है गार्डन सिटी का। तो शॉर्ट नोट के लिए तो इतना सफिशियंट है, आप यहाँ से काफ़ी मैटर ले सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि जो हमारे होवार्ड महोदय हैं इन्होंने क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स बताए हैं गार्डन सिटी के। तो होवार्ड के अनुसार एक गार्डन सिटी में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, मतलब कि उनका क्या विचार था, आइए इसको देखते हैं। फ्रेंड्स, कभी भी बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन इस पे नहीं आएगा क्योंकि बहुत ही छोटा सा ये कॉन्सेप्ट है, इसीलिए बस आप मेन कॉन्सेप्ट को समझिए। और फिर भी मैं इतना मैटर आपको बता दूंगा इस पे कि अगर बाई चांस लंबा क्वेश्चन भी आता है तो आप उससे आसानी से कर सकें। मैंने आपको बताया था कि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, तो वही मैंने पूरी एक लिस्टिंग कर ली है पॉइंट्स की। और सबसे पहला पॉइंट ये है कि जैसा मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कि सीमित जनसंख्या की बात होवार्ड महोदय ने की थी, तो आदर्श जनसंख्या 30 से 32 हज़ार होनी चाहिए एक गार्डन सिटी की। अब आप सोच सकते हैं कि अगर किसी नगर में 30 से 32 हज़ार पॉपुलेशन होगी तो कितनी सहूलियत हो जाएगी, कितनी अच्छी बात होगी, ये सारी समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि 30 से 32 हज़ार कोई ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती है। जहाँ लाखों लोग एक जगह एक नगर में रह रहे हैं, वहाँ अगर 30 to 32 थाउजेंड अगर लोग रहेंगे तो काफ़ी सही होगा, उन्हें सभी लोगों को उचित सुविधाएं मिल सकेंगी, कोई उनसे कह सकते हैं ऐसा नहीं होगा कि किसी को सुविधाएं ही ना मिल पाए। तो एक आदर्श जनसंख्या की बात करते हैं होवार्ड महोदय। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि इसकी जो स्थापना होगी वो कृषि क्षेत्र के मध्य में होगी। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि ऐसे जो नगर होंगे, उद्यान नगर, उन्हें सभी नगरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी, आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध होंगी। मतलब इन लोगों को ऐसा नहीं है कि कुछ मिल ही नहीं रहा है,
इन लोगों को जो बड़े बड़े नगरों में सुविधाएं होती हैं वो सारी वस्तुएं वो सारी सुविधाएं इन्हें उपलब्ध होंगी। चौथा पॉइंट ये कहता है कि ये जो नगर है ये आत्मनिर्भर होगा, ये किसी पे डिपेंड नहीं होगा। यहाँ इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, जो भी काम होगा यहाँ के लोग करेंगे, लेकिन ये आत्मनिर्भर होगा। अब आत्मनिर्भर कैसे होगा वो वहाँ के निवासियों पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक पॉइंट की बात है, जहाँ तक कॉन्सेप्ट की बात है होवार्ड महोदय की, तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि ये नगर आत्मनिर्भर होगा, वो किसी बड़े नगर पे डिपेंड नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ लोग सिर्फ रह रहे हैं और ये पूरा का पूरा नगर डिपेंड है अपने किसी पास के किसी बड़े नगर पे, ऐसा नहीं होगा, ये आत्मनिर्भर नगर होगा। पांचवा पॉइंट ये कह रहा है कि उपवन नगर कई वार्ड्स में बटा हो जिसके अंदर पार्क्स हो व केंद्र में स्कूल हो। मतलब कि वार्ड का जो कॉन्सेप्ट वो ये कहता है कि इसमें कई सारे वार्ड्स होंगे और इसके अंदर पार्क्स होंगे, उद्यान होंगे, जैसा कि उद्यान नगर का कॉन्सेप्ट ही है, और केंद्र में स्कूल की स्थिति होगी। वो सब अभी हम लोग फिगर्स में देखेंगे। छठे नंबर पे बताया गया है वार्डों का विस्तार नगर से बाहर, केंद्र से बाहर हरी रूप में होगा, मतलब सर्कुलर रूप में, ऐसे ऐसे बीच में मान लीजिए सेंटर है, फिर राउंड राउंड में ऐसे ऐसे वार्ड्स का विस्तार होगा, पहला वार्ड फिर दूसरा वार्ड फिर तीसरा वार्ड, इस तरीके से। वार्डों की बाहरी सीमा पर रेल मार्ग होंगे। उपवन नगर के सीमांत क्षेत्र में इंडस्ट्रीज होगी, मतलब कि उपवन नगर, जहां उपवन नगर का सीमा का अंत हो रहा है वहां इंडस्ट्रीज होंगी। वही मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि नगर आत्मनिर्भर होंगे, आत्मनिर्भर होंगे ये, लेकिन इन नगरों को आपको धुएं से भी बचाना है, प्रदूषण से भी बचाना है। इसीलिए वार्ड ने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया। आप देखिए, इंडस्ट्रीज को उपवन नगर के अंदर नहीं स्थापित करवाया है, इंडस्ट्रीज को कहाँ लगवाए हैं ये, इंडस्ट्रीज को इन्होंने स्थापित करवाया है नगर के सीमांत क्षेत्र में, जिससे कि ये जो नगर के निवासी हैं वो वहाँ काम तो करेंगे लेकिन उस इंडस्ट्री का जो वेस्ट मटेरियल है, जो धुआं इत्यादि है, वो बहुत ज़्यादा नगर को प्रभावित नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेन नगर के सीमांत क्षेत्र, उपवन नगर के सीमांत क्षेत्र पे इंडस्ट्रीज लगाने की बात इन्होंने की है। तो जहाँ रेजिडेंशियल एरिया होगा वहाँ से थोड़ा दूरी पर इंडस्ट्रीज होंगी, तो ये अच्छी बात है। और नगर के चारों ओर ग्रीन बेल्ट होगी जहाँ शाक सब्जी की खेती होगी, मतलब कि जो उपवन नगर है उसके चारों ओर एक ग्रीन बेल्ट भी होगी, हरित मेखला भी होगी, जहाँ पर शाक सब्जी और जो भी इम्पोर्टेंट जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो एग्रीकल्चर है, खेती है, वो वहाँ पे होगी। तो ये जो है हमारे इम्पोर्टेंट 9 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें मुझे उम्मीद है कि अगर आपने इन विशेषताओं को अच्छे से समझ लिया है तो आप पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएंगे कि बेसिकली क्या बात बताने का प्रयास किया है होवार्ड महोदय ने। पॉपुलेशन 32,000 से 30,000 के आसपास हो, कृषि क्षेत्र के मध्य में स्थापना हो, सभी नगरीय सुविधाएं उपलब्ध हों, आत्मनिर्भरता हो, कई वार्ड्स हों, स्कूल हो बीच में, पार्क हो, और वार्डों का विस्तार रेडियल रूप में हो, बाहरी सीमा पर रेलवे हो, और इंडस्ट्रीज बाहर हों, सीमांत क्षेत्र में हों, और चारों ओर एक ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए। तो ये विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अकॉर्डिंग टू एबेनेजर होवार्ड। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जब आप इसको नेट पे सर्च करेंगे तो आएगा लिख के गार्डन सिटी मूवमेंट, और जब आप इसके फिगर्स को देखेंगे तो बहुत सारे फिगर्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स मिलेंगे, और फिगर्स तो वो बहुत अच्छे हैं, काफ़ी डिटेल में उनमें बात की गई है, लेकिन उन फिगर्स को आप अपने एग्जाम में नहीं बना सकते। ये एक फिगर जो मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ, यहाँ पर मतलब ये एक इजी फिगर है, और इसमें हालांकि सारी चीज़ें तो नहीं दिखाई गई हैं जो अभी हमने बात की, लेकिन कुछ चीज़ों को दिखाया गया है, और एग्ज़ाम के लिए जितने फिगर्स की मैंने स्टडी अभी तक की है, अभी मैं उन फिगर्स को भी आपको दिखा दूंगा। ये काफ़ी एक ईजी फिगर है और इसमें ठीक ठाक चीज़ों को शामिल कर लिया गया है। तो आइए सबसे पहले ये हमारा पहला फिगर है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग जो इसके कुछ और फिगर्स हैं गार्डन सिटी के, उसको भी हम देख लेंगे। तो आपको जो उचित लगे, अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको बना दीजिए, अगर आपको बाकी के जो 2 फिगर्स हैं वो ठीक लगे तो आप उसको बना सकते हैं, लेकिन इजी मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा है। आइए देखते हैं क्या क्या इसमें दिखाया गया है। ये मान लीजिए कोई सेंट्रल सिटी है, केंद्रीय नगर है, और ये गार्डन सिटी है,
और यहाँ पर लिखा गया है कंकड़, ये भी एक प्रकार का कोई गार्डन सिटी है, क्योंकि दोनों की जो हमारी पॉपुलेशन है वो 32,000 दिखाई गई है। जब मैंने इसको नेट पर सर्च किया तो यहाँ पर कंकड़ लिख कर आ रहा था, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये भी एक गार्डन सिटी ही है, क्योंकि इसकी भी पॉपुलेशन 32,000 दिखाई गई है। और एक चीज़ मैं यहाँ आपको और बताऊंगा कि इन सारे फिगर्स में हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। जैसा ये फिगर है, अगर आपको रटना पड़ रहा है तो रट लीजिए, क्योंकि एज इट इज़ आपको ये फिगर बिल्कुल वैसा का वैसा ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑफिशियली फिगर्स हैं गार्डन सिटी का, जो कॉन्सेप्ट होवार्ड ने दिया था। तो काफ़ी पुराने ये फिगर्स आपको मिलेंगे, ये नेट पे पहले से ऐसा बनाया गया, तो इसमें आप छेड़छाड़ मत कीजिए। समझने के लिए आप बता सकते हैं, कहीं पर किसी को समझाना हो, बताना हो, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो ये जो ऑफिशियली फिगर है गार्डन सिटी का, ये एक डायग्राम है, आपको ऐसा ही इसको बनाना पड़ेगा। ये एक सेंट्रल सिटी है, और ये मान लीजिए गार्डन सिटी है, इसको मैंने कंकड़ बताया, और इसकी भी पॉपुलेशन 32,000 है, इसकी पॉपुलेशन 32,000 है, और यहाँ हाई रोड को दिखाया गया है, सड़कें हैं, और ये है इंटर म्यूनिसिपल रेलवे। इसके किनारे किनारे आप देख रहे हैं, वहाँ पर हमने अभी करेक्टरिस्टिक्स में बात की थी कि बाहर की ओर रेल्स होती हैं, रेलवेज जो होते हैं, और ये वार्ड्स आपको दिख रहे हैं। हालांकि सारे के सारे वार्ड तो इसमें नहीं बने हुए हैं, बट एक मॉडल वाला फिगर है। हम जानते हैं कि मॉडल में सारी चीज़ों को हम ऐड नहीं करते हैं, तो जनरली बस एक दिखाने का प्रयास किया गया है केवल यहाँ पर। तो ये आप देख रहे हैं कि सर्कुलर रूप में वार्ड्स यहाँ पर बने हुए हैं, और इंटर म्यूनिसिपल रेलवे को यहाँ पर दिखाया गया है, और इसकी पॉपुलेशन आप देख रहे हैं 58,000 है। तो मतलब इन दोनों से अधिक इसकी पॉपुलेशन आपको देखने को मिल रही है। तो इजी फिगर है ये गार्डन सिटी का। गार्डन सिटी के बारे में बताने के लिए इधर इंटर म्यूनिसिपल रेलवे, इंटर म्यूनिसिपल रेलवे यहाँ यहाँ और यहाँ पर दिखाया गया है, इधर हाई रोड को दिखाया गया है, और इधर नीचे पॉपुलेशन लिखी गई है 58,000, 32,000 और 32,000। और हमने देखा था कि आदर्श जनसंख्या 30 से 32 हज़ार होती है गार्डन सिटी की। तो ये एक बेसिक सा फिगर है, और बहुत ज़्यादा हम इसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो ऑलरेडी हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे तो उसकी हम व्याख्या वहाँ पे कर चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा हम इसमें डिटेलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग के पास इतना सफिशेंट मैटर है। बस हमें करना क्या है कि बस इस फिगर को बना देना है, जो भी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं उसको हमको एज इट इज़ लिख देना है। क्योंकि अगर इस फिगर में मान लीजिए आप छेड़छाड़ करते हैं, इसको आप थोड़ा दूसरे तरीके से बना देते हैं, तो वो फिर सही नहीं होगा, वो फिर गलत हो जाएगा आपका। तो आपको बस एज इट इज़ जैसा इस फिगर में दिखाया गया है वैसा आपको बनाना पड़ेगा। अब जो मेरा दूसरा फिगर है उसको आप देख सकते हैं, एग्रीकल्चरल कॉलेज, न्यू फॉरेस्ट, काउ पास्चर्स, फ्रूट फॉर्म्स, सेंट्रल पार्क, ग्रांड एवेन्यू, हाउसेज एंड गार्डन्स, रेलवेज, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। नीचे लिखा हुआ है मेन लाइन रेलवे, लार्ज फॉर्म्स और सीवेज फॉर्म्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड ये फिगर्स हैं, और इसीलिए इसकी व्याख्या बहुत ज़्यादा हम इसलिए नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, ये होवार्ड महोदय का दिया हुआ है, और इसमें जैसे बीच में कैनाल दिखाई गई है, एक नहर, बीच में सेंट्रल पार्क है, तो जैसा उन्होंने बताया है एज इट इज़ हमको वैसा ही समझना है। ज़्यादा हम इसमें अपना दिमाग नहीं लगा सकते, और अपने से कुछ इसमें संशोधन भी नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे रटना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको तीन फिगर्स दिखा दूंगा जो आपको उचित लगे। जो सर्कल वाला फिगर है वो ठीक लगे तो आप उसको बना सकते हैं, फिगर तो आप एग्ज़ाम में एक ही बना पाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम होता है, ज़्यादा फिगर्स आप नहीं दे पाएंगे। तो तीन फिगर्स में जो आपको बिल्कुल सटीक लगे, उचित लगे, और जिसको आप आसानी से बना सकें कम समय में, उसको आप बना दीजिए। फिगर्स तीनों ठीक हैं, सभी में कुछ अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया, जैसे इसमें बेसिकली कैनाल के बारे में, और जो लैंड यूज एरिया, जैसे यहाँ फ्रूट के फॉर्म्स हैं, यहाँ जंगल हैं, यहाँ काउ पास्चर्स, यहाँ कैनाल है, यहाँ मेन लाइन रेलवे है, यहाँ सीवेज फॉर्म है, यहाँ लार्ज फॉर्म है, इन चीज़ों को दिखाया गया है।
पहले वाले फिगर में दिखाया गया था रोड इत्यादि के बारे में, हाई रोड्स के बारे में और इंटर म्यूनिसिपल रेलवे इत्यादि को दिखाया गया था, और अभी आगे हम एक और फिगर देखेंगे उसमें कुछ और चीज़ों को दिखाया गया है। और ये जो हमारा आखिरी वाला ये डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये मैंने इस पे काफ़ी सर्च करके इसको मैंने खोजा है और आपके लिए इसको लेके आया हूँ। इसमें आप देख सकते हैं बीच में गार्डन को दिखाया गया है, ऊपर लिखा है एक जगह लाइब्रेरी है, थिएटर इत्यादि लिखा गया है, फिर सेंट्रल पार्क है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो वार्ड्स होंगे वो सर्कुलर रूप में होंगे, तो ये कुछ उसी सर्कल का एक पार्ट काट के आपको यहाँ पर जो है शो किया जा रहा है, और ये पूरा ऐसा नहीं होगा, ये पूरा गोल में होगा, बस उसका एक खंड आपको दिखाया जा रहा है। सेंट्रल पार्क, क्रिस्टल पैलेस, फिफ्थ एवेन्यू, फिर फोर्थ एवेन्यू, फिर ग्रैंड एवेन्यू, बीच में स्कूल है, फिर है आपका सेकंड एवेन्यू, फिर फर्स्ट एवेन्यू, फिर है अलॉटमेंट्स, डेयरी फॉर्म्स, सबसे लास्ट में है लार्ज फॉर्म्स और आर्टिजियन वेल्स। तो ये फिगर तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ों को इसमें ऐड कर दिया गया है और इतनी चीज़ें याद नहीं हो पाएंगी। तो बस इसका यही काम है कि आप इसको एक जगह कलेक्ट किए रखिए और इसको समझे रहिए, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो काम आपके आ सकता है ये फिगर। अगर काफ़ी ज़्यादा आपको व्याख्या करनी है, काफ़ी डिटेल में लिखना कभी पड़ गया, वैसे कभी बहुत लंबा क्वेश्चन इस पे आने वाला है नहीं, लेकिन कभी अगर ज़रूरत पड़ गई तो आप इस फिगर का यूज़ कर सकते हैं। और बाकी जो दोनों फिगर मैंने अभी दिखाए थे, एक ये वाला, ये तो खैर नेट से मैं आपको दिखा रहा हूँ लेके, और इसका मैंने आपको हाथ से बना हुआ भी अभी ये दिखाया था, और एक ये वाला फिगर, ये दोनों फिगर ही ज़्यादा ठीक हैं और इनको आप आसानी से एग्ज़ाम में बना सकते हैं। और जो तीसरा वाला फिगर है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और इसको आप चाहें तो बना सकते हैं और चाहें तो इसको तैयार करके रखे रहिए, कुछ ना कुछ आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ों को ऐड कर दिया गया है लास्ट वाले फिगर में। आइए अब हम लोग कुछ प्रमुख गार्डन सिटीज के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गार्डन सिटी के रूप में एक मूवमेंट सा शुरू हो गया था और विश्व के अलग अलग स्थानों पर गार्डन सिटीज बनने लगे थे, तो उसमें जो सबसे पहला गार्डन सिटी है वो है लिशवर्थ। 1903 में इसको बसाया गया और लंदन से 56 किलोमीटर की दूरी पे है ये लिशवर्थ गार्डन सिटी, यूनाइटेड किंगडम, हेडफोर्डशायर में, और उसके पास ही में, और ये लंदन से 32 किलोमीटर की दूरी पे है, 1920 में बसाया गया वेलविन गार्डन सिटी, ये भी यूके हेडफोर्डशायर में स्थित है। फिर बेडफोर्ड पार्क लंदन, मूर पूल बर्मिंघम यूके, ये भी वहीं पे, मरीनो डबलिन आयरलैंड, रेस्टन वर्जीनिया यूएस, मरिंगा ब्राज़ील साउथ अमेरिका। फिर 8वें नंबर पे कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, बहुत ही फेमस, क्रिकेट वगैरह फॉलो कर रहे हैं तो कैनबरा को जरूर जान रहे होंगे। क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड, कॉलिनन लाइट गार्डन्स एडिलेड ऑस्ट्रेलिया, मेंटेंग जकार्ता इंडोनेशिया, कौलून टोंग हांगकांग में स्थित गार्डन सिटी, तेल एवीव आपको याद होगा वेस्ट एशिया में, जब पहले वाले पार्ट में हम लोग देख रहे थे। अगर आपने रीजनल स्टडी वाला प्लेलिस्ट हमारा नहीं चेक किया है तो उसको देख लीजिए जाके, वहाँ पर इस समय हम लोग वेस्ट एशिया की रीजनल स्टडी कर रहे हैं और तेल एवीव के बारे में हमने बात की थी। तेल एवीव काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट शहर है इसराइल का, और बहुत सारे हेडक्वार्टर्स, बहुत सारे जो है दूतावास वहाँ पर स्थित थे। अब तो खैर काफ़ी हद तक ये स्थापित हो चुके हैं यरूशलम में, लेकिन तेल एवीव का काफ़ी इम्पोर्टेंस है इसराइल में, तो ये भी एक गार्डन सिटी का एग्जाम्पल है। एजमीड केप टाउन साउथ अफ्रीका, और पाइन लैंड्स ये भी है केप टाउन साउथ अफ्रीका में। तो ये टोटल 15 हमारे गार्डन सिटीज़ हैं, जिसमें कि पाइन लैंड, एजमीड, तेल एवीव, कोलून टोंग, मेंटेंग, कॉलोनल लाइट, क्राइस्ट चर्च, कैनबरा, मरिंगा, और इसके ऊपर रेस्टन, मेरिनो डब्लिन, मूरपूल, बेडफोल्ड पार्क, वेलविन और लेशवर्थ, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 15 ही हैं, जब आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको ढेरों एग्जाम्पल्स मिलेंगे गार्डन सिटी के, लेकिन सबको तो हम एग्जाम में लिख नहीं सकते, और सबको अगर हम आपको यहाँ बताने लगेंगे तो काफ़ी लंबा चैप्टर हो जाएगा।
तो इसीलिए इसमें से आपको जो आसानी से याद हो सके, जैसे कुछ बहुत ही फेमस शहर हैं जैसे तेल अवीव, जो कि आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आपको पहले से ही याद होगा। मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको याद होंगे ऐसे शहरों के नाम। तेल अवीव है, कैनबरा है, और आपका मोर पूल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बर्मिंघम में, क्राइस्ट चर्च है। तो ये सारे के सारे जो हमारे हैं ये काफ़ी फेमस है कुछ। तो इसमें से 15 में से जो आपको आसानी से याद हो सके उन 5-6 के नाम आप याद कर लीजिए, और जब आप गार्डन सिटी के कॉन्सेप्ट को लिखिए तो एग्जाम्पल एक लिख के 5-6 के नाम आप लिख दीजिए, तो आपका एक अच्छे से पूरा एक कंप्लीट आंसर वो हो जाएगा। फ्रेंड्स आइए अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट गार्डन सिटीज़ जो हमारी हैं जिनकी अभी हमने बात की, उनमें से कुछ की लोकेशन देख लेते हैं। जो कुछ इम्पॉर्टेंट हैं उनकी लोकेशंस को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो सबसे हमारी पहली वाली गार्डन सिटी है, लेशवर्थ गार्डन सिटी यूके। ये सबसे पुरानी और पहली गार्डन सिटी है, 1903 में इसे बसाया गया था। आप इसकी लोकेशन देख रहे हैं यूके में, लेशवर्थ गार्डन सिटी, बहुत ही फेमस पहली गार्डन सिटी। मैं बार बार बता रहा हूँ, फर्स्ट गार्डन सिटी लेशवर्थ यूके। लंदन के पास में है, 56 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर स्थित है लेशवर्थ गार्डन सिटी। ये हम उसका एक 3D व्यू देख रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी भी आपको यहाँ देखने को मिल रही है। और इसको दिखाने का उद्देश्य भी बस यही है कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए गार्डन सिटीज़ का। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरी गार्डन सिटी को देखते हैं। अब हम देखेंगे वेलविन, जो सेकंड नंबर पे हमने देखा था, संभवतः 1920 में इसकी स्थापना हुई, वेलविन गार्डन सिटी। और ये भी लंदन के पास में, ये लंदन से लगभग 30 या 32 किलोमीटर की दूरी पर, मतलब वेलविन और लेशवर्थ दोनों पास ही पास हैं। तो अब हम वेलविन को देखेंगे, वेलविन गार्डन सिटी, ये आपके सामने इसकी लोकेशन। ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिख रही है यहाँ पर तो, और पर्सनली मुझे भी ये गार्डन सिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लग रहा है। और इंडिया में भी हमारे इस तरीके के गार्डन सिटीज़ होने चाहिए जो मेन सिटी पर से थोड़ा प्रेशर कम कर सकें पॉपुलेशन का, और जहाँ पॉपुलेशन भी थोड़ी कम रखी जाए, एक आदर्श जनसंख्या, आइडियल पॉपुलेशन वहाँ की मान ली जाए कि इतनी ही होगी, तो बहुत अच्छा होगा। इंडिया में इस कॉन्सेप्ट को लाना चाहिए। हमने वेलविन को भी देख लिया, अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कैनबरा। कैनबरा भी एक एग्ज़ाम्पल है गार्डन सिटी का, हमने देखा था वहाँ पर। और कैनबरा हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही एक फेमस सिटी है कैनबरा। ये है आपके सामने कैनबरा की लोकेशन। ऑस्ट्रेलिया में। और अब हम लोग कैनबरा के बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं बस आपको दिखा रहा हूँ। क्राइस्ट चर्च, बहुत ही फेमस शहर न्यूजीलैंड का, अब हम उसको देखेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको लग रहा होगा कि ये टॉपिक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो ऐसा नहीं है। आप बस क्या इसमें समझिए, जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है, मतलब कि जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी 9 पॉइंट, जिसमें कि होवार्ड ने बताया है कि कैसा होना चाहिए उपवन नगर या गार्डन सिटी, बस आप उस पर फोकस कीजिए। मुझे लग रहा होगा कि, मतलब कहने का मतलब है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो फिगर है वो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा इसमें। तो फिगर का टेंशन मत लीजिए, क्योंकि छोटे क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं ज़्यादातर। ये आपके सामने क्राइस्ट चर्च है, और नॉर्मली उसमें फिगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी एक फिगर को आप तैयार कर लीजिए और उसे बना दीजिए।
सर्कल वाला फिगर या दूसरा वाला जो फिगर हमने दिखाया था या थर्ड वाला, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट कोई दिक्कत नहीं है, उसको आपको बनाना पड़ेगा। पहला वाला तो काफ़ी ईजी था, सर्किल वाला, उसको भी आप बना सकते हैं आसानी से। तो मुझे लगा कि ये बातें भी आपसे शेयर कर देनी चाहिए, नहीं तो आप लोग को लगेगा कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ये टॉपिक है। बहुत ईजी है और बहुत सही कॉन्सेप्ट इसमें बताया गया है। ये आपके सामने तेल अवीव है, और तेल अवीव को भी मैंने बताया था कि एग्ज़ाम्पल है गार्डन सिटी का। और अब हम मरिंगा को देख रहे हैं, मरिंगा ब्राज़ील में, ये भी एक एग्ज़ाम्पल है गार्डन सिटी का।